की पाठशाला। अरे ये तो मैंगो है, लेकिन ये हाथ में पेंट ब्रश लेकर कहाँ जा रहा है? हेलो मैंगो। अरे मैंगो ये देखो, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा? ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंगो तुम्हारे पास रंग भी है और ब्रश भी, क्या तुम इस बोरिंग से अंडे में रंग भर सकते हो? अरे हाँ, शुरुआत करते हैं नीले रंग से। मैंगो ने अंडे को रंगना शुरू कर दिया और उसने इसमें रंग भरा नीला। अब मैंगो दूसरा रंग भरने लगा है और ये रंग है नारंगी। अब कौन सा रंग लोगे? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा रंग है, ये है गुलाबी। चलो अब दूसरा रंग लेते हैं और इन बाकी के गोलों में मैंगो ने भर दिया हरा रंग। अब कौन सा रंग लोगे? अच्छा, और अब बाकी के पूरे अंडे को मैंगो ने रंगना शुरू कर दिया। वाह मैंगो, तुम तो बहुत बढ़िया कलाकार हो। और ये कर दिया मैंगो ने पीला रंग। बहुत अच्छे मैंगो, शाबाश। अरे ये क्या, लगता है ये अंडा इस डायनासोर का है। भागो मैंगो। ओहो, डायनासोर को भी रंग बिरंगा अंडा पसंद आया। अरे देखो ये अंडा फूट गया और बाहर निकला एक नन्हा डायनासोर। अब तुम यहाँ से जल्दी से जाओ मैंगो, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो हमने इस बड़े से अंडे को रंगा बहुत सारे सुंदर रंगों से, जैसे हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी और पीला। और फिर ये बन गया प्यारा रंग बिरंगा अंडा। तो देखो दोस्तों, ये है एक कलर बुक। आज हम इसमें बने चित्रों पर रंग भरेंगे। चलो इसे खोलें। ये है एक सेब, तो हम कौन सा रंग लेंगे? ये है लाल रंग, क्योंकि सेब होता है लाल। और क्या आप जानते हैं सेब में क्या खास बात होती है? एक सेब जो रोज खाए खुद को वो मजबूत बनाए। ये है एक केला, और केला तो सबको पसंद होता है। केले का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, केला होता है पीला। और केले में एक खास बात होती है, चलिए मैं आपको बताऊं। केला खाओ और सेहत बनाओ। चलो आगे बढ़ें। अगला है अंगूर, छोटे छोटे रस से भरे अंगूर। पर अंगूरों का रंग क्या होता है? बिल्कुल सही, बैंगनी। और पता है आपको, अंगूर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये है रस से भरे अंगूर, इनको आप खाएं जरूर। अब क्या है? ये है एक संतरा, इसमें कौन सा रंग भरे? इसका रंग होता है, हाँ, नारंगी। और अब जरा संतरे की खासियत भी तो सुनिए। चाहे इसको ऐसे ही खाओ या फिर इसका जूस बनाओ। ये है एक नाशपाती, चलिए इसमें भी रंग भरे। और नाशपाती का रंग होता है हरा। और सभी फलों की तरह इसमें भी खास बात है, हरी भरी मैं नाशपाती खाके मुझको सेहत बनती। देखो जरा ये सब फल कितने प्यारे हैं। तो आज हमने इन अलग अलग फलों को अलग अलग रंगों से भरा। हमने किया सेब को लाल, केले का रंग था पीला, अंगूर थे बैंगनी, संतरा था नारंगी,
और नाशपाती थी हरी। कितना मजेदार तरीका है फलों और रंगों को जानने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज हम करने वाले हैं अंडों पर पेंट। देखो वो रहे अंडे। इस टोकरी में रखे हैं अंडे। मैंगो इन अंडों को देखकर कितना खुश हो रहा है। हम इनका क्या करेंगे? ये टूट जाएंगे मैंगो, इन्हें नीचे रख दो। ये अंडे खेलने के लिए नहीं है, तो हम इनका क्या करेंगे? हाँ मैंगो, हम इन्हें प्यारे प्यारे रंगों से रंगेंगे। पहले लेते हैं पीला रंग और इस अंडे को रंग देंगे पीले रंग में। पीला अंडा। अब लेंगे लाल रंग और इस अंडे को रंग देंगे लाल रंग में। लाल अंडा। तुम भी एक अंडे को बैंगनी रंग से रंग सकते हो मैंगो। ओहो मैंगो, ये बैंगनी रंग नहीं है, ये तो हरा रंग है। हाँ बिल्कुल सही, मैंगो ने अब सही रंग चुना। ये है बैंगनी रंग। चलो अब इन्हें थोड़ा सा सजाते हैं। मैं लूंगी गुलाबी रंग और इस पीले अंडे पर मैं सुंदर सुंदर सितारे बनाऊंगी। गुलाबी सितारे। और अब बेन ने लिया है नारंगी रंग और नारंगी रंग से वो लाल अंडे पर बना रहा है गोल गोल आकार। नारंगी रंग से गोल गोल आकार। मैंगो तुम भी एक रंग चुनो। चलो चलो। वाह ये नीली धारियाँ तो बहुत सुंदर लग रही है। नीली धारियाँ। बहुत बढ़िया, ये अंडे कितने सुंदर लग रहे हैं ना? तो आज हमने रंगे ये प्यारे से अंडे बहुत सारे रंगों से, जैसे बैंगनी और नीला, पीला और गुलाबी, लाल और नारंगी। रंग भरना बहुत ही मजेदार है ना? भागो बारिश आने वाली है, नहीं तो हम भीग जाएंगे। ओह खेलने का मन कर रहा है, तो चलो घर के अंदर ही कुछ खेलते हैं। पर हम क्या खेल सकते हैं? चलो कुछ डरावने मॉन्स्टर्स पेंट करते हैं। हो गया। बेन तुमने पेंट कर लिया क्या? अरे मैंगो तुमने तो बहुत अच्छे कलर्स किए हैं। बेन ने अपना मॉन्स्टर पूरा कर लिया। मेरा तो हो गया। अरे बेन ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है। और मैंगो, वाओ तुमने तो बहुत ही अच्छे कलर्स किए मैंगो। चलो इन्हें फ्रिज पर लगाएं। लगाओ मैंगो। बेन तुम भी लगाओ। और अब मेरी बारी। तो हम सबकी पेंटिंग्स अब फ्रिज पर लग चुकी हैं। वाह क्या बात है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना? चलो अब सोने चलें। हमारे पेंट किए हुए मॉन्स्टर्स कितने डरावने हैं ना? चलो अब इन तीनों की नींद उड़ाते हैं। कितने आराम से सो रहे हैं। इन्हें पेंट करने में बहुत मजा आया था। मैंगो बेड के नीचे कोई डरावने मॉन्स्टर्स नहीं है, चलो सो जाओ। तुम मानते क्यों नहीं मैंगो, बेड के नीचे मॉन्स्टर्स नहीं है, चलो सो जाओ। ये तो पेंटिंग वाले मॉन्स्टर्स हैं, ये जिंदा हो गए। अब हम क्या करेंगे बेन? वाह बेन तुमने तो कमाल कर दिया। आज हमने सीखा मॉन्स्टर्स को पेंट करना। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। वाह देखो घर पर कौन आया है, हमारा प्यारा दोस्त मैंगो। लेकिन घर पर तो कोई नहीं है, तो क्या हुआ? बहुत सारे फल तो हैं। क्या करने वाले हो मैंगो? नाशपाती। मैंगो ने उठाई एक नाशपाती और अब लिया एक खरबूजा
और खरबूजे के कटे हुए टुकड़ों को नाशपाती के पीछे इस तरह से सजा दिया। अरे वाह, ये है अनानास। इन्हें कहाँ लगाओगे? वाह, तुम तो काफी समझदार हो मैंगो। अब क्या करने वाले हो? ओह, संतरे। इन संतरों को मैंगो लगाएगा अनानास के पीछे। वाह, ये है मजेदार तरबूज। इन्हें कैसे लगाओगे? मैंगो, तुम्हारे फलों की सजावट तो बहुत सुंदर है। तो क्या ये तैयार हो गया? पर लगता है अभी कुछ कमी है। ये है सेब। हाँ, इसमें सेबों की कमी थी। तुमने इन्हें भी लगा दिया तरबूज के पीछे। और ये है मैंगो के पसंदीदा केले। वाह, केले देखकर तो मैंगो की खुशी दुगनी हो गई। केलों को भी लगा दिया। और ये दूसरी तरफ भी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो मैंगो। शाबाश। और अब क्या? अब मैंगो ने लिए हैं अंगूर। और अंगूरों को भी मैंगो ने लगा दिया केलों के पीछे। और अब आ रही है स्ट्रॉबेरीज की। तो तुम ये स्ट्रॉबेरी कहाँ रखोगे? अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था मैंगो। जरा देखो तो, मैंगो ने फलों से कितना सुंदर पक्षी बनाया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा पक्षी है? पीकॉक, यानी कि एक मोर। ये मोर तो कितना सुंदर है ना? और मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंगो, तुम तो कमाल के कलाकार हो। तो आज हमने बनाया एक मोर, वो भी कई सारे फलों की मदद से, जैसे कि अंगूर, गोल गोल खरबूजे, खट्टे मीठे संतरे, लाल लाल सेब, स्वादिष्ट अनानास, रस भरे तरबूज, पीले केले, हरी नाशपाती और मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। तो आज हमने सीखा कि हम फलों की मदद से भी एक सुंदर चित्र बना सकते हैं। बाय बाय। अरे वाह, देखो यहाँ कितने सारे रंगों और आकारों वाली कैंडीज हैं। यम्मी। हाय दोस्तों, मैं हूँ एनी और आज हम खेलेंगे कैंडी मेनिया। हमें तीन एक जैसे रंगों और आकारों वाली कैंडीज को मिलाना है इस तरह। ये है हीरे का आकार, जिसका रंग है बैंगनी। मजा आया। देखिए अब हम कौन से रंग और आकार मिला सकते हैं। हाँ, चलो इन्हें मिलाते हैं। तो दोस्तों, ये है एक गोल आकार और इसका रंग है पीला। हमने फिर कर दिखाया। चलो देखते हैं क्या हम और रंग और आकार ढूंढ पाते हैं। क्यों ना हम इन्हें मिलाएं? अरे वाह, ये आया एक त्रिकोण जिसका रंग है लाल। वाह, चलो देखिए यहाँ और कौन से आकार और रंग हैं। मिल गया। ये खेल तो सचमुच बहुत मजेदार है। हमें मिला एक चौकोर जिसका रंग है हरा। आज हमने सीखा रंगों और आकारों के बारे में, जैसे बैंगनी हीरे का आकार, पीला गोलाकार, लाल त्रिकोण और हरा चौकोर। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ खेलने और सीखने में मजा आया होगा। बाय बाय। आज हमने एनी और वेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।